दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंटरिम बजट 2019 पेश किया गया था उसमें इनकम टैक्स में क्या क्या जो है अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो बजट होता है हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे ये बजट 2019 है, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होगा 2019-20 के लिए। ठीक है, इसके जो इनकम टैक्स का रिटर्न इसका फाइल होगा वो होगा 2020 में। ठीक है, तो ये बताना इसके लिए जरूरी, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट है उनके कंफ्यूजन होता है कि अभी बजट आया मतलब जो अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे 2019 में उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये उसके एप्लीकेबल है 2019-20 के लिए, इसका रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई 2020 में। तो 2019 में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल है बजट 2018। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसका, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख लें। तो दोस्तों इस बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे बजट आया दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैल गया कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख का जो लिमिट है उसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी लिमिट 2.5 लाख ही है। तो ये कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए दो पर्सन है, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए का जो इनकम है बिजनेस और अदर इनकम मिला के उसे कहते हैं ग्रॉस इनकम, वो है 6 लाख। मिस्टर बी का है 10+1 11 लाख। उसमें से आपको डिडक्शंस मिलते हैं जैसे ATC, ATD, ATE। ठीक है, तो डिडक्शंस मान लेते हैं दोनों का 2 लाख 2 लाख डिडक्शंस है। तो डिडक्शंस लेस करने के बाद जो इनकम आता है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो ए का टैक्सेबल इनकम है 4 लाख, बी का है 9 लाख। ठीक है, अब इस पर टैक्स निकालते हैं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, निल। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, तो इनका 2.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख होता है। 4 लाख इनकम है, 4 लाख -250, 1.5 लाख पे 5% टैक्स आएगा 7,500। मिस्टर बी का आएगा 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से 2.5 लाख पे मतलब 5 लाख से 2,50,000 × 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20%, तो इनका तो इनकम 5 लाख के अंदर ही है तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। इनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5 लाख से ऊपर 9 लाख मतलब 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 20% 80,000। मिस्टर ए का टोटल टैक्स आ गया 7,500, मिस्टर बी का 92,500। अब दोस्तों इसमें से क्या होता है कि रिबेट मिलता था। ठीक है, रिबेट का क्या कंडीशन था, मैक्सिमम रिबेट आपको मिल सकता है 2,500, बट कंडीशन ये था कि आपका इनकम जो है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम आपका कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 3,50,000। अगर 3.5 लाख या उसके अंदर है तो आपको रिबेट मिलेगा, मैक्सिमम 2,500, बट आपका टैक्स कम बन रहा है तो उतना मिलेगा। ठीक है, तो ये केस में देखते हैं अमेंडमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इनका इनकम 4 लाख है, लिमिट कितना था 3.5 लाख, तो इनको यहाँ पे रिबेट कुछ भी नहीं मिलता, पूरा का पूरा 7,500 भरना पड़ता। और मिस्टर बी है, मिस्टर बी का भी 3.5 लाख से ज्यादा इनको भी नहीं मिलता। अब दोस्तों अमेंडमेंट ये हुआ कि ये जो 2,500 का लिमिट था उसे बढ़ा के कर दिया 12,500। ठीक है, और ये 3.5 लाख का जो लिमिट था उसको बढ़ा के कर दिया 5 लाख। ये 2019 में हुआ है। अब दोस्तों इस अब देखते हैं अप्लाई करके, क्या इनका इनकम 5 लाख के नीचे है तो 4 लाख ही है तो इनको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम 12,500, बट टैक्स कितना आ रहा है 7,500, तो रिबेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अप टू 7,500। तो मिस्टर ए का टैक्स हो जाएगा निल, कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मिस्टर बी में देखते हैं, मिस्टर बी का जो टैक्सेबल इनकम है क्या 5 लाख या उससे कम है, तो इसका 9 लाख है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मिस्टर बी को रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिस्टर बी को पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब अमेंडमेंट का फायदा सिर्फ मिस्टर ए को हुआ है, मिस्टर बी को अमेंडमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा तब होगा जब आपका टैक्सेबल इनकम ये वाला इनकम वो अप टू 5 लाख। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली दोस्तों देखेंगे मीडियम या छोटे लोग हैं जिनका सैलरी, जिनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उसके अंदर, उन्हीं को फायदा हुआ। तो FM ने बोला भी था कि ये हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, पुअर या मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है, इसे एस्टिमेशन लगाया गया कि 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ठीक है, बट जो बड़े लोग हैं जिनका सैलरी ज्यादा है उनको कोई फायदा नहीं है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो चेंजेस आया, जो आप बैंक में जो FD करते हैं उसके ऊपर TDS कटता है। ठीक है, तो वो लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 कर दिया था 2018 में, बजट 2018 में। ठीक है, और जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसके लिए लिमिट पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000,
18 में भी 10,000 था, बट ये 19 में इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए तो 50,000 है ही। तो ये दूसरा एक अमेंडमेंट हुआ दोस्तों। लॉजिक ये है कि जो छोटे मोटे लोग हैं जिनका बाकी इनकम नहीं होता है, उनको टैक्स नहीं आता है, सब इनकम ऐड करने के बाद उनका टीडीएस कट जाता है, फिर उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, झंझट होता है, एक साल के बाद रिफंड आता है, तो इसके लिए ये लिमिट को बढ़ा के 40,000 कर दिया सबके लिए। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आया जो बहुत लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, वो है कि पहले ये था कि अगर आप घर बेचते हैं, घर बेच के अगर आप घर खरीद लेंगे तो आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, सेक्शन 54 में। पर वहां पे कंडीशन था कि आप पैसा जो है एक ही घर में लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने दो तीन घर में पैसा लगाया तो आप एक ही घर के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इसको अमेंड किया गया, आप एक घर के बदले में यहाँ पे कर दिया कि टू हाउस, आप दो घर में पैसा लगा सकते हैं कैपिटल गेन, बट कंडीशन ये है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ या उससे अंदर होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल गेन। और दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, एक बार आपने ये ले लिया तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक ही बार आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब एग्जेम्पशन का, वंस इन अ लाइफ टाइम। उसके बाद अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको एक ही घर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों देखेंगे 2 करोड़ के नीचे वाले को ही कवर किया गया है, ठीक है, एकदम जो बड़े हैं जिनका कैपिटल गेन 50 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी मीडियम क्लास है, बोल सकते हैं उनके लिए बेनिफिट है। तो ये एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। इसके बाद दोस्तों बहुत लोगों को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती थी, मान लीजिए मुंबई में नौकरी कर रहे हैं तो उनका एक मुंबई में घर है, उनकी फैमिली रह रही है, और सबका नेटिव प्लेस में जनरली एक मकान तो होता ही है, दूसरा घर। तो इनकम टैक्स लॉ कहता था कि आप एक ही घर को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों, कोई भी घर मतलब मकान से किराया नहीं आ रहा है, दोनों यहाँ पे पेरेंट्स रह रहे हैं, यहाँ पे खुद रह रहे हैं, बट लॉ ऐसा कहता था कि आपको एक घर, आप मान लीजिए कि आप रह रहे हैं, दूसरा कोई भी घर से आपको रेंट दिखाना पड़ेगा, भले आपको नहीं रेंट मिल रहा है, डिम्ड रेंट कहते थे उसको, ठीक है। तो ये अननेसेसरी तकलीफ होता था। अभी गवर्नमेंट ने कह दिया, बजट 19 में प्रपोज किया है कि आप दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, आपको डिम्ड रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको भाड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है दोस्तों। इसके बाद जो सैलरी इनकम है या जो जिनका पेंशन इनकम है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 ये जो है अलाउ किया था बजट 2018 में, ठीक है। और अब ये लिमिट दोस्तों बढ़ा के 40,000 से ये प्रपोज कर दिया है 50,000, ठीक है। तो 10,000 का एक एडिशनल बेनिफिट हो गया, 40 था 50 कर दिया। और जो दोस्तों एक और अमेंडमेंट आया है वो ये है कि जो लोग जिनका रेंट इनकम मिलता है, ठीक है, तो 1,80,000 अगर रेंट है तो जो रेंट पे कर रहा है, ठीक है, उनको टीडीएस काटना पड़ता था 10%, ठीक है। अब ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ रेंट इनकम है तो उनका टैक्सेबल इनकम कुछ भी नहीं होता था, 1.5 लाख 2 लाख मतलब रेंट आ रहा है, बाकी इनकम मिला के भी उनको टैक्स नहीं बन रहा है। तो उन लोग ने कहा कि ये लिमिट को बढ़ाना चाहिए, 1,80,000 कम है, तो ये रेंट को 1,80,000 को बढ़ा के कर दिया है 2,40,000। अब 2,40,000 तक आपको अगर रेंट इनकम मिल रहा है एक प्रॉपर्टी से तो आपको टीडीएस जो है सामने वाला को नहीं काटेगा, तो भी आप इनकम पूरा रेंट आप रिसीव कर सकते हैं विदाउट टीडीएस। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस थे जो फाइनेंस एक्ट 19 में प्रपोज किए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ जो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।